Assalamualaikum dear students, welcome back once again. आज फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था इम्यूनिटी, वहां पर हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी या फिर इनेट इम्यूनिटी वर्सेस एक्वायर्ड इम्यूनिटी. साथ ही साथ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी भी आज आपको बताएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आते हैं इनेट इम्यूनिटी की तरफ. इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो आपकी जिस्म में बाय बर्थ मौजूद हो. बाय बर्थ, ठीक है. तो बाय बर्थ जो मौजूद है उसमें कौन कौन सा है, क्या मतलब है? देखो, पिछले लेक्चर्स में हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ा था. अगर आपने नहीं देखा तो आप इसी प्लेलिस्ट में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन डिफेंस आप देख सकते हैं अगर आप नए आए हैं. अदरवाइज अगर आप मेरे साथ सीक्वेंस से देख रहे हैं तो आपने वो देखा होगा. सो इनेट इम्यूनिटी में क्या आ रहा है? फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ये हमारे पास मौजूद है इनेट इम्यूनिटी में. प्लस ये जो इनेट इम्यूनिटी है, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉन स्पेसिफिक. दिस इज नॉन स्पेसिफिक. इसका मतलब ये है कि ये किसी खास एंटीजन के लिए किसी खास इस तरह बुनियाद पर नहीं बनाते हम लोग, ठीक है. ये कोई भी एंटीजन आ जाए बस उसके साथ इसका मुकाबला हो जाता है. इसके अलावा इसमें कोई मेमोरी नहीं है कि इसको याद रखे कि कौन सा एंटीजन आया था. इसके अलावा यहाँ पर इनेट इम्यूनिटी में किसी एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है. यहाँ पर यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं नो स्पेसिफिक एंटीबॉडी. नो स्पेसिफिक एंटीबॉडी. इसके अलावा यहां पर इनेट इम्यूनिटी में जाहिर स्टूडेंट पूछते हैं कि मेरे जिस्म में ऐसा क्या चीज है जो बाय बर्थ मौजूद है. तो आपका जिल्द बाय बर्थ मौजूद नहीं है. यस, योर स्किन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनेट इम्यूनिटी. वैसे तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में सांस की नाली के अंदर जो एक निज़ाम हमने देखा था, म्यूकस प्रोडक्शन था, स्टमक के अंदर एचसीएल था, वो भी सारा का सारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में था. तो वो हमारे लिए क्या है? इनेट इम्यूनिटी है. अब हम लोग आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ. इसका दूसरा नाम क्या है? एडाप्टिव इम्यूनिटी. एडाप्ट, जब आप लाइफ टाइम में आप अपने जिस्म के बॉडी में ड्यूरिंग लाइफ टाइम आप कोई चीज एडाप्ट कर लेते हैं, सो वो आपके लिए क्या आ जाएगी? एडाप्टिव आ जाएगी. देखो, जैसे कि एक बंदा बॉडी बिल्डर है और कोई भी बंदा जब माँ के पेट से इस दुनिया में आता है तो वो बॉडी बिल्डर तो नहीं होता ना. तो कुछ खसूसियात हम बाय बर्थ इस दुनिया में ले आते हैं, हमारे बॉडी के अंदर पहले से मौजूद होते हैं. कुछ खसूसियात हम लाइफ के दौरान गेन करते हैं. सब कोई बंदा क्रिकेटर बन जाता है, कोई बॉडी बिल्डर बन जाता है. तो ये एक्वायर्ड खसूसियात होती हैं. अब ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी और काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है. तो ये मैंने क्या लिखा है? विच कैन डिवेलप ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. सब लाइफ टाइम. देखो, अगर कल आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आया था तो कल ही आपकी जिस्म ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई थी. आज से एक महीने के बाद, एक साल के बाद अगर आपकी बॉडी में कोई एंटीजन आ जाए तो आपका जिस्म उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा. तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसमें ये लफ्ज बहुत ज़्यादा यूज होता है एंटीबॉडी का. यानी इसमें क्या होगा कि सबसे पहले हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आएगा. एंटीजन मीन्स बैक्टीरिया, कोई वायरस, या मतलब एंटीजन है, ठीक है. तो ये एंटीजन आएगा तो हमारा जिस्म उसी के खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा. एंटीबॉडी पर मैंने लेक्चर दिया हुआ है, हो सकता है आपको सजेस्टेड वीडियो में या इसी लेक्चर के आखिर में एंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो मिल जाए, या फिर आप लोग इसी वीडियो का प्लेलिस्ट में जरा चेक करें, क्योंकि इस वीडियो के प्लेलिस्ट में मैंने ये सारे के लेक्चर लिखे हुए हैं. उसमें एंटीबॉडी का लेक्चर भी आपको नजर आएगा, या आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करें एंटीबॉडी स्ट्रक्चर बाय डॉक्टर हादी तो आपके पास आ जाएगा. तो एंटीबॉडी कई अंदाज से एंटीजन का मुकाबला करते हैं. इस तरह की इम्यूनिटी को हम लोग बताएंगे स्पेसिफिक. क्यों बनिस्बत इनेट के? ये स्पेसिफिक इसलिए है क्योंकि एक खास एंटीजन के लिए हमारा जिस्म एक खास एंटीबॉडी बनाएगा. अगले दिन अगर कोई दूसरा एंटीजन आया तो उस एंटीजन के लिए हमारे जिस्म फिर कोई दूसरा एंटीबॉडी बनाएगा. तो हर एंटीजन के लिए एक खास एंटीबॉडी बनाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी.
अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में चूंकि एंटीजन एंटीबॉडी का जिक्र काफी ज्यादा है यहां पर, एंटीजन एंड एंटीबॉडी का, दिस इज एंटीजन और एंटीबॉडी का काफी ज्यादा जिक्र है, तो हम इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, फर्दर क्लासिफाई करते हैं किस चीज में, पैसिव इम्यूनिटी में और एक्टिव इम्यूनिटी में, ठीक है। तो मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं पैसिव के दरमियान और एक्टिव के दरमियान। अब पैसिव इम्यूनिटी में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके देता हूं, फिर आपको उसके मजीद टाइप्स भी समझ आए, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी में नेचुरल लफ्ज भी आएगा, आर्टिफिशियल लफ्ज भी आएगा, तो स्टूडेंट परेशान होते हैं अक्सर, जब भी मैं पढ़ाता हूं तो कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। कन्फ्यूजन को खत्म करने के लिए मैं आपको स्पेसिफिक का पहले मतलब बताता हूं। देखिए स्पेसिफिक के केस में लेट सपोज हमारे पास ये आपका जिस्म है, ठीक है, इज आवर बॉडी, पैसिव इम्यूनिटी में हम लोग क्या करते हैं, पहले से एंटीबॉडीज वो बाहर से फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, जी समझे नहीं, फ्रॉम आउटसाइड एंटीबॉडीज फ्रॉम आउटसाइड उठा के यहां पर इसके जिस्म के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी इस शख्स ने खुद से एंटीबॉडी नहीं बनाई, कोई एंटीजन भी नहीं आया हुआ है। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं कि यहां पर एंटीजन, अभी तक कोई एंटीजन आया ही नहीं है, एंटीजन आने से पहले पहले हमने इसकी जिस्म में एंटीबॉडीज डाल दिए, इसने खुद से नहीं बनाया। अच्छा, एंटीबॉडी हमारा जिस्म बना सकते हैं, कोई शक नहीं है, इसके अलावा हम एंटीबॉडीज को बाहर से बना सकते हैं, लैब में बना सकते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी लैब से भी आप ला सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कभी माँ के जिस्म से बच्चे के बॉडी में आ जाए, तो माँ का जिस्म बच्चे के लिए तो आउटसाइड है ना, तो ये एंटीबॉडी इसके अंदर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर कुछ इस तरह का डायग्राम लिखना चाहूँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस शख्स के जिस्म में सबसे पहले क्या आया, एंटीबॉडी आया। अब ये एंटीबॉडी इसके अंदर आ गया है, फौज आ गया है, फ्यूचर में अगर कोई एंटीजन आ जाए, लेट सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज एंटीजन, अगर फ्यूचर में कोई एंटीजन आ जाए तो उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडीज का फौज बना हुआ होगा, वो एंटीबॉडीज एंटीजन का मुकाबला करेगा। दिस इज कॉल्ड पैसिव। पैसिव में ये जो जिस्म है ये एंटीबॉडीज नहीं बना रहा, मुफ्त में हलवा समझकर हमने उसको एंटीबॉडीज दे दी। ये जो पैसिव है ये जल्दी डेवलप होता है, ठीक है, जल्दी डेवलप होता है, लेकिन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, नॉट फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, ये ज्यादा टाइम के लिए आपका साथ नहीं दे सकता, नॉट फॉर प्रोलॉन्ग टाइम, लेकिन अर्ली डेवलप हो जाता है, जल्दी से डेवलप हो जाता है। इसके मुकाबले में जो एक्टिव है, एक्टिव में फिर से मैं वो डायग्राम लिख लेता हूं, एक्टिव में यहां से लेट सपोज फिर से हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है, अगर इसी डायग्राम में मैं आपको बताओ इस केस में क्या होगा, इस केस में मैं देखो इधर एंटी जिन से लिख लेता हूं, स्टार्ट मैंने यहां से किया, नंबर वन यहां पर, नंबर वन एंटीबॉडी से हम लोगों ने स्टार्ट लिया, एंटीबॉडीज के जिसम में आ रहा था। एक्टिव में सबसे पहले एंटीजन आपके बॉडी में आ जाता है, तो अब मैं आपके जिसम के अंदर छोटे छोटे डॉट्स लिख लेता हूं, लेट सपोज ये छोटे छोटे डॉट्स क्या है, ये एंटीजन है, ये पहले एंटीजन आएंगे, एंटीजिन के खिलाफ इसका जिसम एंटीबॉडीज बनाना शुरू करेगा। लेट सपोज मैं यहां पर यह डायग्राम लिख देता हूं, ये एंटीबॉडी आ गई, ये एंटीबॉडी आ गई, ये एंटीबॉडी आ गई, सही है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये एंटीबॉडीज है, और एंटीबॉडीज को किसके खिलाफ बनाया गया, एंटीजन के खिलाफ हमने बना लिया। किसने बनाया, इस शख्स के बॉडी ने खुद मेहनत करके बना लिया। तो अगर जिस्म खुद अपने बलबूते पर एंटीबॉडी बना ले, दिस इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, और अगर बॉडी एंटीबॉडी ना बना ले
गेम सारा एंटीबॉडीज का है। अगर एंटीबॉडी बना रहा है आपका जिस्म तो एक्टिव, अगर नहीं बना रहा तो दैट इज कॉल्ड पैसिव। सो सिंपल अल्फाज में एंटीबॉडी को देखना पड़ेगा। अगर आपका जिस्म एंटीबॉडी नहीं बना रहा, नहीं बना रहा, बाहर से मुफ्त में एंटीबॉडी आ रहा है तो पैसिव है। और अगर आपका बॉडी एंटीबॉडी बना रहा है, आपका जिस्म एंटीबॉडी बना रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव। अब ये तो था एक्टिव पैसिव, तो समझ आ गया क्लियरली। इस पैसिव और एक्टिव को मैं मजीद डिवाइड कर लेता हूं दो कैटेगरीज में। पैसिव इम्यूनिटी को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में। नंबर वन इज कॉल्ड एज नेचुरल, नेचुरल एंड नंबर टू इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। तो एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है, एक आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी एंड यहां पर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब आप देखिए, मैं इसी डायग्राम को फिर से यहां पर आपके लिए लिखना चाहता हूं। आपको वो डायग्राम याद होगा, अब इस डायग्राम पर आप गौर करें। अब आप देखिए, अगर हम इसके बॉडी में, मतलब आपको एंटीबॉडी पैसिव में तो हम एंटीबॉडी स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर से मैं क्या लिखता हूं, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसकी जिसम में बाहर से आएगा तो कंफर्म है कि बाहर से आएगा। अब बाहर से आने के दो अंदाज हैं। एंटीबॉडी कम्स इनटू द बॉडी बाय टू वेज। नंबर वन, अगर हम उसको किसी लैब में बनाए, कहां से बनाए, लैब में, लेबोरेटरी में बना ले एंटीबॉडी वगैरह, इधर लैब में आपने बना ली, ठीक है, ये एंटीबॉडीज आपने कहां पर बना ली, लैब में आपने बना ली, तो लेबोरेटरी में आपने बना ली। और दूसरा, एंटीबॉडी कहां से आ सकता है, एंटीबॉडी लैब में नहीं बना लिया लेकिन मदर से आएगा, कहां से आएगा, मदर से, मदर टू चाइल्ड, माँ के जिस्म से, माँ के जिस्म से बच्चे में एंटीबॉडी आए। वो कैसे, जब माँ, बच्चा जब माँ के पेट के अंदर होगा, लेट्स सपोज दिस इज द मदर्स वॉम, यहां पर जो बच्चा पड़ा होगा, ठीक है, चाइल्ड, माँ के जिस्म से प्लेसेंटा नाम का एक टिश्यू है, प्लेसेंटा, उस प्लेसेंटा से एक पाइप जो है वो इस बच्चे के जिस्म में आया होगा, तो इस पाइप का नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड, और इस पाइप के जरिए एंटीबॉडीज जो है वो बच्चे की बॉडी में आ सकते हैं। सो अगर माँ के जिस्म से एंटीबॉडी जाए, ठीक है, एंटीबॉडी अगर माँ के जिस्म से बच्चे के अंदर चला जाए, तो इस केस में ये एक बच्चा होगा, ठीक है, ये दूध के जरिए या ब्लड के जरिए, इधर बाय द हेल्प ऑफ मिल्क और ब्लड, माँ ही तो अपने बच्चे को दूध देती है और ब्लड भी माँ ही देते हैं जब वो पेट के अंदर होगा। तो अगर ये इस अंदाज से आपका एंटीबॉडी अगर इस अंदाज से जिस्म में चला जाए, दिस इज कॉल्ड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ये कुदरती जा रहे हैं, किसी इंसान का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आपने, अभी आप इस साइड देखो, अगर आपने लैब में एंटीबॉडीज बनाए और वो एंटीबॉडीज आपने इसकी जिस्म के अंदर ले आया, लैब में बना लिया, तब जाकर हम उसको क्या नाम देंगे, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब आप अपना इंग्लिश यूज करके इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं कि मैंने क्या कहा, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी का डायग्राम आपको क्लियर है कि एक्टिव इम्यूनिटी में बाहर से एंटीजिन आएगा, वहां पर बाहर से एंटीबॉडी आ रही थी, इधर एंटीजिन आएगा तो इसका जिस्म उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेगा, ठीक है। ये गेम तो आप लोगों को पहले सुना है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, आप लोगों के लिए एक बार फिर से मैं एक डायग्राम लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है, सही है। अब आप जरा देखिए, ये जो आपका एक्टिव इम्यूनिटी है,
ये क्या हो सकता है? ये हमारे पास दो हो सकते हैं, ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, और ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल को समझने के लिए आपने ये देखना है एंटीजन किस अंदाज से जाएगा। देखिए हमारे पास जाएगा जिसमें में कौन जाएगा, एंटीजन जाएगा। एंटीजन के जाने का के दो अंदाज है एंटीजन जिस्म के अंदर आने के लिए, ठीक है। एक है कि अगर वो एंटीजन कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में आ जाए, और दूसरा है अगर वो आर्टिफिशियली आ जाए। अगर बताता हूं, आर्टिफिशियली का मतलब ये है कि हम किसी जरासीम को या वायरस को किल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। इसके लिए माइक्रोबायोलॉजी में एक लफ्ज होता है एटीनोवेटेड, यानी उसको हम मार देते हैं कि उसकी बीमारी की सलाहियत तो खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारे जिस्म के लिए वो फिर भी एंटीजन रहेगा। एंटीजन को अगर आप किल करोगे, हमारे जिस्म के लिए फिर भी वो एंटीजन रहेगा, लेकिन वो बीमारी कॉज नहीं करेगा। सो अगर हम किल एंटीजन को ले लेंगे, इस किल एंटीजन को आप क्या नाम दे सकते हैं, इसको आप वैक्सीन का नाम भी तो दे सकते हैं, बाज़ वक़्तों के वैक्सीन इस तरह बनाते हैं। तो अगर आपने ये वैक्सीन लैब के अंदर बना लिया, क्या बना लिया, लैब के अंदर आपने वैक्सीन बना लिया, किसी एंटीजन को वो किल कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे, इसकी बॉडी के अंदर रख देंगे, ठीक है। तो अब ये जो डॉट्स है ये आपके लिए क्या है, ये वो मरे हुए एंटीजन है। अब आपका जिस्म क्या करेगा, आपका जिस्म अपने मेहनत के से इन्हीं के खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। इतने सारे एंटीबॉडीज इसके बॉडी में आ गए, कल को, एक महीने के बाद, एक साल के बाद, जब ये एंटीजन लाइव एंटीजन आ जाए नेक्स्ट टाइम लाइव, अभी तो हमने इसको मार दिया था ना, कल को अगर लाइव एंटीजन इसके बॉडी में आ जाए, तो इस शख्स ने उसके खिलाफ पहले से फौज बनाया होगा, उसका खात्मा कर देगा। तो ये वैक्सीनेशन के ये फायदे होते हैं जब आप वैक्सीन लगाते हैं। अब नेचुरल अंदाज में क्या होगा, आपका जो एंटीजन है वो लैब में नहीं, वो नेचुरल अंदाज में। नेचुरल अंदाज में क्या है, हम और आप रोज़ाना काम करते हैं, जाते हैं, प्ले गेम खेलते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स करते हैं, खाते पीते हैं, इस दौरान अगर आप हमारे बॉडी में कोई एंटीजन आ जाए, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आ जाए, ठीक है, नज़र नहीं आता, कुदरत ऊपर आते रहते हैं, अब वो क्या होगा, वो नेचुरल होगा एंटीजन, ठीक है, इंटर्स आवर बॉडी, एंटीजन इंटर्स आवर बॉडी नेचुरली, वो एंटीजन आपके जिस्म में आ जाएगा। अगर कोई एंटीजन कुदरती पर आपके बॉडी में आ जाए, तब भी आपका जिस्म उसके खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। एंटीबॉडीज बनाने के बाद वो आपका जिस्म उस एंटीजन के खिलाफ इम्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्यून हो जाएगा। तो ये तो हमें और आपको पता ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक हम जिस्म में कई मुख्तलिफ किस्म के एंटीजन आते रहते हैं, लेकिन हम उसका मुकाबला करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो था वैक्सीन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया था, ठीक है। वैक्सीन आपको यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ पर, ठीक है, ये वैक्सीन वाला जगह ये भी है। इस केस में जो है यहाँ पर भी आपको वैक्सीन लग सकते हैं, अगर आप आर्टिफिशियल तरीके से एंटीबॉडीज़ अगर आप बना लें, पहले से एंटीबॉडीज़ रख दें, वो देते हैं, तो भी किस्म का वैक्सीनेशन में आएगा, ठीक है। देखो, अब कुछ दिनों ने कहा था सर लेक्चर के बाद आप थोड़ा सा बोर्ड पर, तो ठीक है, आप लोग लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाऊँ, वीडियो पॉज करके आप ये सारा का सारा लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करके बताता हूँ कि आज हमने पढ़ा कि हमारे पास इम्यूनिटी दो तरह की, एक इनेट है, एक एडाप्टिव है। जो बाई बर्थ मौजूद है, दैट इज़ इनेट, और जो लाइफ टाइम के दौरान हमारे जिस्म जरासीम के खिलाफ डेवलप करता है, कोई इम्यूनिटी बना लेता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो नॉन स्पेसिफिक था, और ये जो एक्वायर्ड है ये स्पेसिफिक है। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने कहा था कि इसकी मज़ीद दो टाइप्स है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में आपका जिस्म
एंटीबॉडीज अपने मेहनत पे बनाता है। पैसिव में आपका जिस्म एंटीबॉडीज नहीं बना सकता, खुद से नहीं बना सकता, बाहर से देने पड़ते हैं। और फिर एक्टिव इम्यूनिटी के हमने मजीद दो टाइप्स पढ़े, पैसिव इम्यूनिटी के भी हमने मजीद दो टाइप्स पढ़े। दोनों टाइप्स को मैंने बता दिया बड़े अच्छे अंदाज में बता दिया आप लोगों को। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, मेरी कोशिश ये है कि वो जो वायरस का जो सेकेंड लेयर है, जो आजकल कोरोना के बारे में हम देखते हैं फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, तो कोशिश करता हूँ कि मैं उसमें कुछ आइडिया आप लोगों को दिखा दूँ, बता दूँ कि ये क्या है, ये फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर का मतलब क्या है। तो तब तक के लिए दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक्सपेक्टेशन मोस्ट कम से कम रखा करें, लोगों को जितना दे सकते हैं दिया करें। बस इतना सा था, आपसे होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।